श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। तो आज है शिव महापुराण कथा का पांचवा दिन, जो कि आप देख सकते हो शिव महापुराण कथा में पांचवे दिन जो कि आप देख पा रहे हो श्रद्धालु लोगों को आना जाना चल रहा है। शिव महापुराण कथा के जिस तादाद में पहले दिन भीड़ थी उससे कहीं कम भीड़ आज है। देख सकते हो आप, उस टाइम तो 20 लाख की संख्या में यहाँ पे भीड़ थी, आज जो कि बहुत कम होगी, बहुत कम भीड़ होगी, क्योंकि उस टाइम रुद्राक्ष महोत्सव वितरण चल रहा था, बट अभी रुद्राक्ष वितरण स्थगित कर दिया गया है। आप देख सकते हो आज भी लाखों की संख्या में श्रद्धालु हैं, उस टाइम कुछ ज़्यादा ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु थे, जो कि शिव महापुराण कथा पांचवें दिन की सभी भक्त लोग सुनकर अपने अपने घर जा रहे हैं। आप देख सकते हो कई भक्त तो कुबेश्वर धाम में ही रुक रहे हैं। आप देख सकते हो जगह जगह पर डंडे की झोपड़ी बनाई गई है शिव भक्त लोगों ने, क्योंकि यहाँ पर धूप काफ़ी तेज है, इसलिए उनने अपने हाथों की जुगाड़ से बांस डंडे की साड़ियों से झोपड़ियाँ बना गई है। तो आप देख सकते हो शिव महापुराण कथा को सुनकर सभी भक्त अपने अपने घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हो पांचवें दिन शिव महापुराण कथा को सुनकर सभी जा रहे हैं, जो कि 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में भव्य रुद्राक्ष महाउत्सव आयोजन चल रहा था। आज है 20 फरवरी, कथा का पांचवा दिन। तो आप देख सकते हो बारे में जितना बोला जाए उतना कमी है उनके लिए, कितने महान आत्मा है उनको देखिए आप, एक के कारण देखो कितने लाखों श्रद्धालुओं को उन्होंने कर दिया है, बाबा का बना दिया है। उनकी कथा सुनने के लिए देखो कैसी धूप में भी सब लोग बैठने के लिए तैयार है, किसी धूप में कैसे बैठे हैं सब लोग, बिना खाए पिए सब लोग। तो दोस्तों, अब मैं आपको कथा पांडल के अंदर ले जाकर दिखाऊंगा कि कहां पे श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा चल रही है, कौन से पांडल में। मिस्टर कपिल जी, आप कहाँ से आए हो भैया? उड़ीसा। उड़ीसा से आए हो, कब से आए हो? उड़ीसा से तीन दिन हो गया। तीन दिन से यही हो? यही पे। अकेले आए हैं फिर और पूरे फैमिली? फैमिली के साथ आए। घुमा तो नहीं है ना कोई? नहीं नहीं घुमा कोई। अरे अभी बताया था उधर के मेरे तो ये घूम गए, मेरे पेरेंट्स घूम गए। तो दोस्तों, आप देख सकते हो जस्ट बीच वाले पांडल में श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा चल रही है, चारों तरफ श्रद्धालु श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इधर तो दोस्तों, अब हम आ गए रोड पर, कथा पांडल के बाहर आ गए। अब हम आप देख सकते हो हाईवे पर कितना जाम लगा हुआ है, जो कि लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों ही साइड पर वाहन अपने अपने घरेलू वाहन खड़े हैं, जो भी शिव भक्त पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की कथा को सुनने के लिए दूर दूर से आए थे सभी ने रोड के साइड में वाहन को खड़ा कर दिया था, जो कि आप देख सकते हो साइड में हजारों लाखों की संख्या में वाहन खड़े हुए हैं, दोनों ही तरफ वाहन ही वाहन खड़े हुए और शिव भक्त जाते नज़र आ रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो शिव भक्त का आना जाना चल रहा है। आज शिव महापुराण कथा का पांचवा दिन था, जो कि श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी ने बहुत अच्छे अच्छे उपाय बताए हुए एंड उसके बाद में बहुत ही अच्छी अच्छी
ज्ञान की चीज़ें भी बताई गई है, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है। देख सकते हो दोनों साइड में जो कि शिव भक्त नज़र आ रहे हैं। ये सभी भक्त पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए कहीं दूर दूर से आए हुए हैं। तो आप देख सकते हो दोनों तरफ वाहन ही वाहन खड़े हुए हैं, जो कि 16 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में भव्य रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था। तो कई कारण की वजह से जो कि रुद्राक्ष को वितरण तो बंद करना पड़ा। तो आप देख सकते हो अभी जो ये शिव भक्त देख रहे हो आप, ये सभी शिव भक्त शिव महापुराण कथा को सुनने के लिए आए हुए हैं और जा रहे हैं सुनकर। आप देख सकते हो यहाँ पे कई वाहन भी लगाए गए हैं समिति की तरफ से, ताकि श्रद्धालु लोगों को आने जाने में कोई प्रकार की ना सुविधा नहीं हो। जो कि आप देख सकते हो दोनों तरफ वाहन ही वाहन खड़े हुए हैं। हम हैं भोपाल आष्टा हाईवे पर। आप देख सकते हो आपको इसमें की अगर वीडियो चाहिए कुबेश्वर धाम से जुड़ी हुई, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिख देना, ताकि हम उस वीडियो को लेके आपके सामने जल्दी से जल्दी आए। दोस्तों अगर आपने मेरी कुबेश्वर धाम से जुड़ी हुई वीडियो नहीं देखी तो आप मेरे चैनल पे जाके देखो, मैंने बहुत सारी कुबेश्वर धाम से जुड़ी हुई वीडियो डाल रखी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप जाकर देख लेना। तो अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हो तो रेड बटन के आइकन को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो आप देख सकते हो अब हम जाएंगे सीहोर, जो कि भोपाल आष्टा हाईवे पे अब हम सीहोर जा रहे हैं। कुबेश्वर धाम से अब हम सीहोर जा रहे हैं अंदर, जो कि कुबेश्वर धाम की सीहोर से दूरी समथिंग 5 से 7 किलोमीटर दूरी पड़ती है सीहोर से कुबेश्वर धाम की, जो कि कुबेश्वर धाम भोपाल आष्टा हाईवे पे जो कि अपन भोपाल चलेंगे उसी सीधे हाथ पे कुबेश्वर धाम मार्ग है। वहीं से जो कि कुबेश्वर धाम की समथिंग 1 किलोमीटर दूरी है हाईवे के यहाँ से जोड़ से, जो कि आप देख सकते हो कई सारे भक्त लोग जो कि 5वें दिन की शिव महापुराण कथा को सुनकर अपने अपने घर जा रहे। तो आप देख सकते हो दोनों ही तरफ शिव भक्त नज़र आ रहे, जो कि हमने भी आज श्री पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा को सुना। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें उन्होंने बताई गई है कथा में। तो आप देख सकते हो पंडित प्रदीप जी का कहना है एक लोटा जल हर समस्या का हल, तो वाकिर में एक लोटा जल से हर समस्या का हल पूर्ण होता है। जो आप देख सकते हो कई भक्त लोग जो कि हाईवे पे खड़े हुए हैं, ये सभी भक्त अपने अपने वाहन या यहाँ से जाने के लिए अपने अपने घर जाने के लिए खड़े हुए, जो कि आप देख सकते हो कई दूरी से भक्त लोग पैदल पैदल आ रहे हैं, जो कि कुबेश्वर धाम की सीहोर से 5 से 7 किमी दूरी पड़ती है। तो शिव भक्त सिर्फ पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी को कथा सुनने के लिए सीहोर से कुबेश्वर धाम पैदल आ रहे जा रहे। आप देख सकते हो 7 से 5 किलोमीटर की दूरी है सीहोर से कुबेश्वर धाम महादेव मंदिर की, जो कि कुबेश्वर धाम महादेव मंदिर का अभी कार्य भी चल रहा है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो रेड बटन के आइकन को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि मेरी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुँच रहे। तो सभी शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।